पंजाब में हाल ही में हुई हिंदू नेताओं की हत्या के तार कनाडा और जर्मनी से जुड़े होने की आशंका है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि जिस तरह से पंजाब में इन हत्याओं को चुन चुन कर अंजाम दिया गया है, उससे लगता है कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग थी और इसके पीछे विदेशी लिंक हो सकते हैं। NIA एक दो दिन में इस मामले में केस दर्ज करने वाली है और इसके बाद वो पंजाब पुलिस से जांच की पूरी रिपोर्ट हासिल करेगी। खुफिया एजेंसियां कुछ संदिग्ध लोगों की कॉल डिटेल्स की भी जांच कर रही हैं। और जानकारी इस पर ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, ये जब हमने रिपोर्ट दिखाई थी जिस तरह से लगातार हिंदू नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है पंजाब में, तब भी हम ये कह रहे थे कि कोई ना कोई ये लिंक्स जरूर हैं, और ये विदेशी लिंक्स को लेकर और क्या जानकारी अभी तक हासिल हो पाई है और किस तरह से अब इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, गृह मंत्रालय के पास पंजाब पुलिस ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच NIA से कराई जाए, क्योंकि इसमें उनको इनिशियली टेरर के एंगल मिल रहे हैं और इसीलिए चूंकि NIA स्पेशलाइज एजेंसी है तो वो उससे जांच कराने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दी है, जिसकी आज या कल में ही NIA उस पर FIR दर्ज करेगी। दूसरी बड़ी बात, जो भी एजेंसीज है, चाहे विजिलेंस एजेंसीज है या पंजाब पुलिस है, जो इनिशियल जो जानकारी आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि कई जो मर्डर हुए हैं पंजाब में और स्पेशली जो लास्ट दो मर्डर हुए उसमें ये बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से मारा गया, जो जिन अटैकर्स ने जो हमले किए वो एक प्रोफेशनल का काम है। और तीसरी बात, कुछ ऐसे कॉल डिटेल्स भी पंजाब पुलिस के पास हैं जिसमें जर्मनी और कनाडा में कुछ बातचीत हुई है, तो ये जो सारे एंगल्स हैं उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, क्योंकि एजेंसीज को लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ये लगातार कोशिश हो रहा है कि पंजाब में कम्युनल राइट्स हों, इस तरीके से घटनाएं हों जिसमें वहां एक टेंशन फैले जिसका फायदा उठाना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ लोगों को हो सकता है वो हायर किया हो, उन्होंने कुछ पैसे दिया हो जिसमें चुन के RSS के लीडर्स जो वहां मारे गए उन पर हमले कराए जाएं, जिससे एक रिपरकशन हो और सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाए जिससे टेंशन हो, तो एक प्लान हो सकता है। और इसीलिए NIA वो मंडे तक ऐसा लगता है केस दर्ज कर लेंगे, उसके बाद उनकी जो टीम है वो पंजाब जाएगी, पंजाब पुलिस से वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लेंगे और अपने लेवल पर जो भी जो कॉल डिटेल्स हैं, जो भी सस्पेक्ट्स कॉल्स हैं, तो NIA जो है वो जल्द ही केस दर्ज करने वाली है इस केस में, और ये जो विदेशी लिंक्स हैं, ये जो कनेक्शन है, ये निकल कर अब सामने आया है।